महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दिवाली से पहले कश्मीर को बड़ा तोहफा। पीएम ने 80,000 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। कहा, कश्मीरियत के बिना हिंदुस्तान अधूरा। कश्मीर भारत की आन बान और शान। श्रीनगर में पीएम मोदी की नवाज शरीफ और यूएन को दो टूक। कश्मीर के लिए हमें नहीं चाहिए किसी की भी सलाह। मोदी के दौरे के पहले नवाज ने दिया था रिश्ते सुधारने का सुझाव। सम्मान वापसी के खिलाफ कलाकारों का मार्च फॉर इंडिया। अनुपम खेर की अगुवाई में राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। खेर का ऐलान, भारत को अस्वीकार करने कहने का नहीं किसी को अधिकार। चाणक्य के सर्वे में लालू यादव का बड़ा हमला। कहा, बिहार में महागठबंधन को मिल रही 190 सीटें, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। आज के चाणक्य की कल निकल जाएगी सब चालाकी। केरल के निकाय चुनावों में खिला कमल। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वाम मोर्चे में बीजेपी की कड़ी टक्कर। तीसरे स्थान पर खिसकी सत्ताधारी कांग्रेस। 24 घंटे में महंगाई का चौतरफा झटका। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल डीजल होगा महंगा। सर्विस टैक्स पर आधा फीसदी। स्वच्छ भारत सेस, रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर देना होगा दुगना चार्ज। 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में छोटा राजन। देर रात सीबीआई अदालत में हुई राजन की पेशी। फर्जी पासपोर्ट के केस में सीबीआई ने किया राजन को गिरफ्तार। और मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत। सस्ते में गवाए 5 विकेट। भारत ने दिया 218 रनों का लक्ष्य। जीत से 5 विकेट दूर टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी मौजूद हैं। तो सबसे आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका जो है स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद होता है भविष्य दर्पण में हम आपको पूरे सप्ताह का हाल बताते हैं, जिसमें हर क्षेत्र पर हमारी नजर होती है, राजनीति से लेकर के शेयर बाजार तक, यहां तक कि बॉलीवुड की हलचल, सब कुछ हम आपको बताते हैं सप्ताह में पहले ही। तो भविष्य दर्पण में चलिए सबसे पहले तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रहों की अगर हम बात करें तो ग्रह नक्षत्र जो है इनकी स्थिति इस वक्त कैसी है, क्या अनुकूलता इनकी बनी हुई है, या फिर इनके अनुसार अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव आपको ग्रहों का देखने को मिलता है, कौन से ग्रह काफी शुभ हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। और दीपावली की शुरुआत हो चुकी है, दीपावली की शुभकामना देता हूं मैं जी। और दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि कौन से ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं, इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से चैनलों के माध्यम से कई व्यूअर्स को ये समझ लीजिए कि बेवकूफ बनाया जाता है, मगर ग्रहों की परिस्थिति 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपने बोला कि कहीं ना कहीं कौन से ग्रह कहां बैठे हुए हैं, क्रूर हैं या सौम्य हैं। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमने ये कार्य शनिवार को शुरू किया,
सबसे ज्यादा शनि के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं कि भाई शनि ये कर देते हैं, शनि वो कर देते हैं, शनि खराब कर देते हैं, शनि सत्यानाश कर देते हैं, मगर शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं किसी के ऊपर तो माला माल कर देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं, चाय बनाने वाले को मुख्य प्रधानमंत्री बना देते हैं और शाहरुख खान जैसे छोटे से व्यक्ति को बॉलीवुड का किंग बना देते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शनि इस वक्त जो है वो वृश्चिक राशि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। कंचन जी ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है, आपने बोला कि इन ग्रहों का राजनीति के ऊपर क्या असर होगा, अर्थनीति के ऊपर क्या होगा, किन किन क्षेत्रों के ऊपर असर होगा जी। एक बात समझ लीजिए, हमको कल बिहार के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं जी, समझे आप। और यहाँ तक हम बात करें नरेंद्र मोदी की कुंडली की, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की, स्थापना दिवस की कुंडली की और शपथ विधि की कुंडली की, तो वृश्चिक राशि बनती है, मोदी जी की वृश्चिक राशि है, भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि है। कहीं ना कहीं जो वहां पे बिहार में जो चुनाव का रिजल्ट है एस्ट्रोलॉजिकली भी महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। राजनीति में एक तो ये बहुत बड़ी बात होगी और दूसरा देश की प्रगति जो है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15/8/1947 की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भारत अगले कई बरस, अगले 40 से 50 बरस जो है उन्नति के पथ पर चलता रहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे त्रिशंकु सरकार बने 2019 में, मगर हमारी ग्रोथ नहीं रुकेगी। मोदी जैसे हमारे नेता जो हैं वो देश और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं, उन्होंने डेफिनेटली सेवा करने का प्रण किया हुआ है, मगर जब मंगल की राशि में शनि आता है तो राजनीति का स्तर गिरता है, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर छींटा कांटी की जाती है, अर्थशास्त्र में एक भूकंप आता है और उसके बाद 15 तारीख को, आज अभी ऐसा समझ लीजिए कि सोमवार को धनतेरस है, धनतेरस से 3 दिन कहीं ना कहीं दीपावली की शुरुआत हो जाती है, 15 तारीख से सूर्य जो है शनि के साथ मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएगा जी। हाँ, तो बाद जैसे, में कुछ स्थितियां और बदलेंगी जी कंचन जी। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन बन गया है, जो शनि है इस वक्त मंगल की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो ग्रहों के इस फेर बदल की अगर हम बात करें तो बिहार इलेक्शन और जब रिजल्ट जो आने वाला है, क्या समझा जाए कि किसका पलड़ा जो है भारी रहने वाला है, सरकार किसकी बन सकती है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली का जब हमने अध्ययन किया था तो तभी इंडिया शाइनिंग, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का दबदबा था, पूरे सर्वे, पूरे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, मगर ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ही एक ऐसा भविष्यवाणी की थी कि अगला मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। राहु की महादशा चल रही थी उनकी, राहु की महादशा उनकी 2001 से चल रही थी। अब हम नीतीश कुमार की कुंडली का अगर हम अध्ययन करते हैं तो 2014 अप्रैल से राहु की महादशा उनकी शुरू हुई है, राहु उनका पराक्रम में बैठा हुआ है। जब भी राहु कुंभस्थ होता है यानी सॉरी सिंहस्थ होता है, सिंहस्थ राहु का मतलब होता है जब 5 नंबर में सूर्य की राशि में जब राहु बैठा होता है तो आदमी को राजा बना देता है। हम और उसी उधर अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, उन और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन किया अटल जी और अडवाणी जी ने तब वृश्चिक राशि बनती है, और जब मोदी जी ने शपथ ली उस वक्त वृश्चिक राशि बनती है, तो चारों का समावेश अगर हम कंचन जी देखते हैं तो वृश्चिक राशि के ऊपर सारे सती चल रही है। और अगर उस दूसरी तरफ आप हैरान होंगी, दूसरी तरफ अगर हम नीतीश कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी भी वृश्चिक राशि है, इसलिए मामला एक दूसरे के साथ साथ सटा हुआ है, एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कड़ी टक्कर नजदीक आया हुआ मामला है। हाँ, मगर कौन कैसे लेकर जाएगा राहु की महादशा जो है ये पॉसिबल है। लालू जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस तरफ
साथ में श्रीमती गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं जी। तो नीतीश कुमार, लालू और श्रीमती सोनिया गांधी कहीं ना कहीं इस नेक टू नेक फाइट में सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं जी। दूसरी तरफ मांझी साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं जी। और वहां पर सुशील मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं जी। साथ में कहीं ना कहीं रामविलास पासवान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारा समावेश जब हम छह कुंडलियों का, मुख्य कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेक टू नेक फिनिश में, फोटो फिनिश में ये समझ के लेना बहुत जरूरी है कि ये बातें, कल का रिजल्ट जो होगा वो डेफिनेटली, अब क्या होगा कुछ नहीं पता होगा, 8 घंटे कलेजा मुंह में आया होगा, मगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुंडली को अध्ययन करते हैं तो राहु की महादशा में नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस जो है वो कुछ चाहे 1 या 2 मतों से ही, या उनको अन्य उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़े, सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। पर फोटो फिनिश नेक टू नेक फाइट में महागठबंधन को मैं ज्योतिषीय माध्यम से, क्योंकि हम 8 कुंडलियां बना के उनके कंपेटेबिलिटी चार्ट देखते हैं, जनता के साथ उनका समावेश देखते हैं, तब जाकर हम प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आप एग्जिट पोल खोलते हो, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में कुर्मियों ने कितनी वोट दी, भूमिहारों में कितनी वोट दी, दलितों ने कितनी वोट की, उनका समावेश बिल्कुल ग्रहों के हिसाब से मैं करता हूँ। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो है पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल 9 ग्रह, और ये आपने जो बताया कि 12 राशियां और 27 नक्षत्र, जो ये फेरबदल भी है जो राशियों का और ग्रहों का, नक्षत्रों का, कहीं ना कहीं पलड़ा, जैसे कि आपने कहा, नेक टू नेक फाइट तो रहेगी, लेकिन नीतीश की सरकार बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो देख, जो प्रिडिक्शन पर जो है आप सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है कि कल जो है देखने में मिलेगा कि किस तरह का नतीजा जो है सामने आएगा। फिलहाल सूर्य और शनि, जिस तरह की अभी आपने स्थिति बताई है, दोनों ग्रह जो हैं इनकी युति बनी है, क्या देश की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं कुछ आंच आ सकती है, क्योंकि सूर्य शनि जो है कहीं ना कहीं एंटी रहते हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे के कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इनका सकारात्मक रूप नहीं रहा है कभी भी। तो किसके ऊपर आंच आएंगी आपने पूछा बेटा? जी, सूर्य और शनि की युति बनी है, तो क्या कहीं देश की सुरक्षा पर भी कुछ जानना चाहेंगे कि कुछ आंच तो नहीं आ सकती है इनकी युति से? बहुत बड़ा सवाल किया है, और मैं लाइव इंडिया के पूरी भविष्य दर्पण और कल आज कल के सारी टीम को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा होती है, सूर्य पिता होता है, सूर्य देश की आत्मा होती है, सूर्य नायक होता है, हमारे देश का नायक नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के नायक के साथ में बैठने वाले अमित शाह है, हमारे देश के नायक राहुल गांधी हैं, हमारे देश की नायिका श्रीमती सोनिया गांधी हैं। तो बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये युति मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि 15 तारीख के बाद शुरू होगी। 14 तारीख से 15 तारीख को सूर्य शनि मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत में आतंकवाद बढ़ सकता है, कोई ना कोई आतंकी हमला या कोई ना कोई बड़े नेता जो है उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सूर्य और शनि जब भी, क्योंकि सूर्य और शनि आज शनिवार है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम, सूर्य शनि के पिता है, शनि के पिता और साथ में यम शनि का बेटा है, कहीं ना कहीं ये युति जो है वो सुरक्षा के लिए, आतंकवाद के लिए, हमारे नेताओं को कहीं भी सुरक्षा कर्मियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अगर वो बोलते हैं कि यहां मत जाएं तो वहां मत जाएं। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इन दिनों प्रहार हो सकते हैं, और आपको ये बता देता हूं कि जितने भी महायुद्ध हुए हैं, महायुद्धों में सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शनि और सूर्य की युति हुई है जी। और सेकेंडली हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अगले 3 महीने तक कोई बड़ी घटना हो सकती है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेना को सतर्क रहना पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सतर्क रहना पड़ेगा, हर भारतीयों को सतर्क रहना पड़ेगा।
जी 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 हाँ, तो यहाँ पर जो है सतर्कता की आवश्यकता है। फिलहाल आपसे आगे भी हम जो है जानकारी लेंगे और शेयर बाजार पर नजर होगी। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। बंदर देखा, हाथी देखा, बारा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में कुत्ते अंदर झांक देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण, और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो अभी जो है ये फेस्टिवल सीजन भी है और ऐसे में धनतेरस और दिवाली भी आने वाली है, लोग जो है ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं सोने चांदी के ऊपर। तो इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें उतार चढ़ाव को लेकर के या फिर शेयर बाजार की हलचल को लेकर के, तो कहां इन्वेस्ट करना आपको लगता है बहुत बेहतर रहेगा लोगों के लिए? देखिए, इस वक्त ग्रह दशा की अगर हम गणना करें तो गुरु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, सिंहस्थ, इसलिए सिंह राशि में कुंभ का मेला हो गया। उसके बाद में अगर हम राहु, शुक्र और मंगल की बात करें तो राहु और शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो भी दैत्य गुरु है, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, राहु भी दैत्य है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक बुरी खबर यह है कि महंगाई और बढ़ेगी। दाल 200 रुपए है तो 250 से 300 हो जाएगी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर है तो 75 रुपए हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हो, अब मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूँ, महंगाई कहीं कम होती हुई दिखाई नहीं देती है। चाहे वन रैंक वन पेंशन अभी अपने को मिलने वाला है, लोगों के पास धन आने वाला है जी, मगर कहीं ना कहीं महंगाई जो है आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है। अब हम अर्थशास्त्र की बात करें, क्योंकि इसी में हमारी एक्सपर्टी या ये सेगमेंट सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो कल फ्राइडे के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 26,250 पे बंद हुआ। पिछली बार हमने बोला था कि ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। नौ ग्रहों की परिस्थिति देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थिति देखते हैं, महंगाई को जब हम देखते हैं, बिहार के इलेक्शन को अगर हम कल कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र की भविष्यवाणी करते हैं तो ग्रहों को 50% अंतरराष्ट्रीय न्यूज और साथ में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ उसको देखकर तब भविष्य बोला जाता है। 26,250 कल बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ है। अगले
कुछ एक हफ्ते की बात करते हैं हम लोग हमेशा, एक हफ्ते में या 10 दिन की बात करें तो ये 25,500 के करीब करीब आता हुआ दिखाई देता है नीचे की तरफ। ऊपर का स्तर जो है कंचन जी 26,500 26,600 के ऊपर नहीं दिखता, इसलिए जितने भी इन्वेस्टर छोटे दिल के हैं, नाजुक दिल के हैं, उनको मार्केट से बाहर रहना चाहिए। मार्केट में जब स्टेबिलिटी आ जाए तब मार्केट को हाथ लगाएं। जी, यानी कि अभी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी करना इतना सही नहीं रहेगा। और अभी आपसे जानने जाएंगे, फ्राइडे की आपने बात करी कल की कि 26,000 कुछ जो था उस पर रुक गया, लेकिन अब हम फ्राइडे की बात करें तो कमिंग फ्राइडे जो है अभी एक मूवी भी रिलीज होने वाली है, बॉलीवुड की हम बात करना चाहेंगे आपसे। अभी सलमान खान की फिल्म आ रही है प्रेम रतन धन पायो, क्या बताएंगे आप सलमान की ये फिल्म क्या बम्पर रिकॉर्ड कायम कर पाएगी, कैसा रहेगा इस फिल्म का रिस्पॉन्स? देखिए, यहाँ तक हम प्रेम रतन धन पायो की बात करें तो डेफिनेटली जैसे ईद के ऊपर सलमान खान तोहफे देते हैं, इसी तरह इस बार हमारे देश को सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है प्रेम रतन धन पायो जैसा। हम आपके हैं कौन जैसी सफलता ही इस फिल्म को मिलेगी, क्योंकि तो आने वाले दिनों में ये समझ लें कि ये 300 करोड़ रुपए के क्लब में प्रेम रतन धन पायो आती हुई दिखाई देती है कंचन जी। तो यानी कि 300 करोड़ के क्लब में अभी ये जो मूवी है सलमान खान की, जो अपकमिंग मूवी है, ये शामिल हो सकती है। यानी कि सलमान फैंस के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि सलमान की फिल्म के लिए काफी जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं, और इस हफ्ते जो है मूवी भी रिलीज होने वाली है। लेकिन ग्रहों का खेल पूरे सप्ताह, जैसे आपने बताया कि कई ग्रहों की युति है, कई जगहों पर कमाल कर रही है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि धनतेरस भी है, तो धनतेरस पे अगर हम बात करें प्रॉपर्टी को करके या फिर सोने के सिक्कों को लेकर के हम बात करें, तो क्या ये खरीदना शुभ रहेगा इन दिनों में? देखिए, धनतेरस का मतलब होता है कि आप अपने, तेरस मतलब 13 तारीख, जी कृष्ण पक्ष की 13 तारीख, और धनतेरस धनवंतरी जयंती भी होती है, इसलिए सोना खरीदना उस दिन शुभ माना जाता है। मगर मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 100 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो 5 ग्राम खरीदें, क्योंकि सोने के भाव जो है पिछले सैटरडे 25,600 के करीब करीब आ चुके थे, ये 24,800 के करीब करीब वापिस आ सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल सीजन तो कंटिन्यूसली क्रिसमस तक रहता है, आप डेफिनेटली और खरीद सकते हैं बाद में, और 24,600 24,500 आ सकता है, हो सकता है 24,000 भी तोड़ दे इसी साल के अंदर अंदर। इसलिए सोना आप खरीदें जरूर, क्योंकि ये एक पवित्र धातु मानी जाती है। चांदी जो है 34,600 के करीब करीब आई हुई, ये खरीद कर रख लें सोने की जगह चांदी, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। चांदी बेशक आप 50 किलो खरीद के रख लें। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक बात बहुत अच्छी है कि मंगल की राशि में शनि है, मंगल प्रॉपर्टी का देवता है, भूमि का देवता है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में 15-20% प्रॉपर्टी में करेक्शन दिखाई देती है। इसलिए अब आप अगर फ्लैट बुक करना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, मुंबई हो, आप फ्लैट बुक कर लीजिए। डेफिनेटली अगले 5-7 सालों में आपके फ्लैट की जो कीमत है वो दुगनी हो सकती है। अभी और प्राइसेस कम होने हैं, अब हुए भी हुए हैं और कम होने हैं, इसलिए चांदी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। और धनतेरस के ऊपर गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है कंचन जी। जी बिल्कुल, कहा भी जाता है कि धनतेरस पर कोई भी सामग्री आप खरीदते हैं, सोना चांदी या बर्तन खरीदते हैं, तो 13 गुना लाभ भी होता है, वृद्धि होती है, यही फायदा है धनतेरस पर सामान खरीदने से। लेकिन अब आपका दर्शक जो है पूरे सप्ताह इंतजार कर रहे होते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं इनके लिए आप कोई ऐसा तोहफा जो आपकी तरफ से हो, जिस जो तोहफा इस रूप में हो कि उन्हें दर्शकों को लाभ हो, कोई ऐसी रेमेडी आप बताना चाहें, दिवाली का मौका है, कुछ ऐसी चीज आप दर्शकों को देना चाहें अपनी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को दीपावली की शुभेच्छा, दूसरी बात यह है कि महंगाई के दौर में खर्चा कम करें, तीसरी बात एक मंत्र है महालक्ष्मी का, या श्री स्वयं सुकृता नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतज्ञाम देश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्मी परिपाल्य देवी विश्वम हरि। ये मंत्र का उच्चारण कम से कम 33 टाइम ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ओम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मंत्रों को आप बेशक छोड़ दें,
आप अपनी माता के लिए कोई सुंदर सोने का उपहार खरीद लें, अच्छा सूट या अच्छी साड़ी अपनी माँ को खरीद के दे दें। कहते हैं नारस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ नहीं है तो अपनी बड़ी बहन, अपनी बड़ी भाभी, अपनी बच्ची, इनको उपहार देने से धनतेरस से लेकर महालक्ष्मी के दिन तक आपको 13 गुना नहीं 130 गुना धन लाभ के योग बनेंगे। अपनी बेटी को, अपनी भाभी को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को किसी भी तरह का उपहार दें, और उस उपहार देते समय माता जी को चरण स्पर्श करें और अपनी बेटी के माथे को चूमें, अपनी पत्नी को प्यार से वो उपहार दें और अपनी बहन को गले लगाकर उसको कोई उपहार दें, तो ये जो आभा होगी, क्योंकि इवेंचुअली लक्ष्मी जो है वो एक स्त्री के रूप में मानी जाती है। जी हाँ। स्त्री की अगर आपके घर में पूजा होगी, स्त्री का सम्मान होगा, तो धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। लक्ष्मी हरि को भी प्रिय है, लक्ष्मी शिव को भी प्रिय है, इसलिए अपनी घर की स्त्री अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर से लक्ष्मी आपके घर आने वाली नहीं है। बिल्कुल। अपनी माता जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद आप लक्ष्मी का आगमन अपने आप देखेंगे। अपने घर में अगर क्लेश है, क्लेश को मिटाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, क्लेश है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। बिल्कुल। क्लेश मिटा दे, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। इकट्ठे बैठकर इस क्लेश का निवारण कर दे। बिल्कुल। यहाँ क्लेश है वहाँ लक्ष्मी दूर भाग जाती है। बिल्कुल। तो महिलाओं का सम्मान करें, ये आपकी तरफ से एक सीख भी है, और उपहार के रूप में यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है और धन की वर्षा भी होती है। तो इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और पंडित राजकुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभम करो तो कल्याणम। और अगले सप्ताह फिर से हम हाजिर हो जाएंगे भविष्य दर्पण में, पूरे सप्ताह का हाल लेकर के हम आपको बहुत सारी अहम जानकारियां भी बताएंगे। फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। Honda Dream Series। ले लो जी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तू सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।